कि आप बिजनेसमैन हैं एंड आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीएमए काजल तलरेजा एंड आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जीएसटी क्या होता है और किन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी सप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज का तो उस पर जीएसटी लेवी होता है। अब ये चार्ज किसके ऊपर होता है? ये चार्ज होता है कस्टमर्स पे, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं प्रोडक्ट्स के, और ये पेड होता है गवर्नमेंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जनरली जीएसटी में 3 types ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड लिमिट तय करके रखी है, अगर उस स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड होता है आपका टर्नओवर तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब सबसे फर्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं तो आपके लिए ये टर्नओवर की लिमिट है 40 lakh rupees पर annum। मतलब अगर साल भर में आपका टर्नओवर 40 lakh rupees से एक्सीड होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बट कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं जिनके लिए ये लिमिट 20 lakh rupees है। मतलब अगर इनका टर्नओवर 20 lakh rupees तक है या 20 lakh rupees से एक्सीड हो रहा है तो ही इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन केस ऑफ गुड्स। तो ये 11 states कौन से हैं? ये 11 states है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये वो 11 states हैं जिनके लिए टर्नओवर की लिमिट इन केस ऑफ गुड्स 20 lakh rupees पर annum है। अब सेकेंड है इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर आप सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट है 20 lakh rupees पर annum। अगर आपका टर्नओवर 20 lakh rupees से एक्सीड होता है तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जैसे स्पेशल कैटेगरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके लिए लिमिटेड 10 lakh rupees पर annum। अगर इनका टर्नओवर 10 lakh से एक्सीड होगा इन केस ऑफ सर्विसेज तो फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ सर्विसेज, मतलब आप कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है रेस्टोरेंट में गुड्स भी रहते हैं और सर्विसेज भी रहती है, तो इस केस में टर्नओवर की लिमिट है 20 lakh rupees पर annum। सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ये होता है कि अगर आपका टर्नओवर 40 lakh से कम है या ज्यादा है या नहीं भी है, इवन आपका टर्नओवर पूरे साल भर का सिर्फ 10 rupees है, फिर भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई में डील करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? अगर आप छत्तीसगढ़ में और आप किसी महाराष्ट्र वाले पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। मतलब दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज की डीलिंग हो रही है। अब अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई में डील करते हैं तो आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो या ज्यादा हो, या अगर आपका टर्नओवर ना भी हो, फिर भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में बात की गई है। अगर आप इंटरस्टेट एग्जम्प्ट सप्लाईज करते हैं तो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता है, ना ही उसके बिजनेस की कोई फिक्स्ड प्लेस होती है। वो जनरली जैसे कोई एग्जीबिशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपके लिए भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। थर्ड है पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं और आप उसके बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हैं रिवर्स चार्ज के बेसिस पर, तो भी आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। फोर्थ पॉइंट है नॉन रेसिडेंट पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई इंसान नॉन रेसिडेंट है, मतलब वो इंडिया में नहीं रहता है और उसका इंडिया में ना ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो आउटसाइड इंडिया से इनसाइड इंडिया में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि टैक्सेबल है, तो इस केस में भी उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो 9 subsection 5 में मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही आते हैं। 6th पॉइंट है पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। अगर सेक्शन 51 के अंदर आपके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो आपको भी जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 7th पॉइंट है पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे किसी भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करते हैं, फिर चाहे एज अ एजेंट या फिर किसी और फॉर्म में,
तो भी आपको जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एट है आईएसडी। आईएसडी मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका हेड ऑफिस है दिल्ली में एंड आपने 5 लाख रुपीज खर्चा किया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस के ऊपर। अब आप क्या करते हैं, उस 5 लाख के इनपुट को वेरियस डिफरेंट ब्रांचेस पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये काम होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो जीएसटी में आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। 9th पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड लाइबल टू डिडक्ट टीसीएस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सबसे अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं एंड इसके साथ साथ आप लाइबल है टीसीएस डिडक्ट करने का, तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। 10th पॉइंट है सप्लाई ऑफ OIDAR सर्विसेज। अब OIDAR सर्विस क्या होती है? OIDAR मतलब होता है ऑनलाइन इंटरनेट डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए भी जीएसटी में रजिस्टर होना कंपलसरी है। 3rd टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जिसमें आप खुद चाहते हैं कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है एंड आप खुद चाहते हैं कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो भी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि एक तो कस्टमर के सामने आपकी अच्छी इमेज बनती है क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है। दूसरा ये होता है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी हमें मिलती है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपके टर्नओवर में जितना भी सप्लाईज है वो सारे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज ही होनी चाहिए, उसमें 1 रुपए का भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए। 2nd पॉइंट है अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में और आपका टर्नओवर में सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है तो भी आप जीएसटी के लिए लायबल नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट अगर चाहे आगे जाके तो कुछ सेट ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। एट द एंड मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि हमने पूरे वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में कवर होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं। थैंक यू। विश यू अ वेरी गुड लक।